तुम्हें यहाँ का एड्रेस अलमास ने दिया होगा। मम्मी जानती हैं आप यहाँ रहती? हाँ वो यहाँ आई थी। मामा मेरे लिए आपसे रिक्वेस्ट करने आई होंगी ना कि आप अपना केस वापस ले लें। नहीं वो तो मुझसे ये कहने आई थी कि कोई ऐसा केस बना दूं मैं आली पे कि वो सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहे। ताकि तुम्हारी जान से छुट जाए। नहीं नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं तो कुछ नहीं करूंगी। अब जो करेगी अलमास करेगी। उसने मुझसे अच्छी खासी रकम का तकाजा किया था। आपने क्या किया? रकम दे दी? हाँ मैंने उसे रकम दे दी। मजबूरी थी मेरी क्योंकि मैं आलियान से खौफजदा हूँ। आपने अपने बेटे की जान बचाने के लिए मेरे शौहर को अरेस्ट करवा दिया। और अब वो सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहे उसके लिए मामा का साथ दे रही है। आपने आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आली ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके बेटे ने आली की बहन की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। उसको इतना टॉर्चर किया कि उसकी उसकी जान ले ली। नहीं उस लड़की में ना जरा भी हिम्मत नहीं थी। अगर वो जरा भी हौसले का मुजाहरा करती तो शायद ऐसा नहीं होता। हर लड़की बहादुर लड़कियों की तरह डट के मुकाबला करने वाली नहीं होती। तो फूलों जैसी बिल्कुल मासूम सी लड़की थी। उसके भाई और मां में उसकी जान थी। वो तो उन दोनों को कहीं जाना पड़ा और आपको और आपके जालिम बेटे को मौका मिल गया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उस पर कोई जुल्म नहीं किया। कोई जबरदस्ती नहीं की बल्कि हमेशा उसका ख्याल रखा उससे प्यार किया। बल्कि मैं तो उसे बहुत समझाती थी। बिल्कुल समझाती होंगी कि किसी भी तरह मेरे पागल बेटे की जिंदगी में रह के उसका पागलपन उसकी अजियत उसकी तकलीफों को चुपचाप बर्दाश्त करती रहे। किसी को कानो कान खबर ना हो। आप जैसी माओ की लॉजिक अच्छी तरह समझती हूं। जैसे मेरी मामा भाभी के साथ बिहेव करती हैं। अपनी माँ से मुझे मत मिलाना। क्यों ना मिला? कोई फर्क नहीं आप दोनों में। वैसे एक पैसे की मोहब्बत में दूसरों की बेटियों की जिंदगियां बर्बाद करती हैं और एक ने बेटे की मोहब्बत में करती। ये बात तो आप जानती होंगी ना कि आपका बेटा एक जुनूनी और बदकिरदार लड़का है। बेतहाशा पैसे की वजह से उसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। इस सब की वजह से निशा उसका निशाना बनी। और सिर्फ निशा नहीं और बहुत सी लड़कियां। आप और अम्मी बिल्कुल एक जैसे हैं। अलमास ने तो अपने बच्चों को बहुत काबू किया हुआ था खासतौर पे तुम्हें। तो ये सब कुछ उलट कैसे हो गया? जिंदगी में भी सजाएं मिलती हैं। ये दुनिया मकाफाते अमल है। जैसे हम सब बहन भाई अपनी माँ के गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं बिल्कुल वैसे ही निशा की बेबसी उसकी मौत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं आंटी।
आदि हम सजा या जजा देने वाले नहीं है नासुक, वो ऊपर बैठा है। जिसको चाहे हिदायत दे, जिसका चाहे दिल मोड़ ले, उसकी मर्जी। खुदा के लिए प्लीज अपना केस वापस ले लें। आंटी आलियान को निशा का बहुत दुख है। वो सात से बदला लेना चाहता है, लेकिन सात तो मुल्क से बाहर है ना। हम सब भी यही चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि अली साद के खून से अपने हाथों को रंगे, कानून को अपने हाथ में ले। हम तो उसके जाने का इंतजार कर रहे थे। अब और नहीं, खुदा के लिए आंटी अपना केस वापस ले लें प्लीज। अलमास तो बता रही थी कि निशा का बदला वो तुमसे लेता है। तुम्हें टॉर्चर करता है, मारपीट करता है, तुम्हारे साथ तुम्हें अजियत देता है। ऐसा ही है तो फिर तुम क्यों चाह रही हो कि वो बाहर आ जाए? अली हमेशा से ऐसे नहीं थे। बहन की मौत ने उन्हें तोड़ दिया आंटी। एक एक भाई की बेबसी को आप नहीं समझ सकती। आप खुद सोचें, जिसने खुद साथ को पसंद करके अपनी फूलों जैसी बहन उसको सौंप दी, और साथ ने क्या किया, उसकी कदर ही नहीं की। उसे ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया और फिजिकली टॉर्चर किया, उसको मौत की आगोश तक पहुंचा दी। जिस्म के जख्म सहना आसान होता है आंटी, लेकिन जो जो जख्म रूह पे लगते हैं ना, वो बहुत तकलीफ देते हैं।